अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शैमा अपने चैनल कुकिंग विद शैमा खान में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ 10 मिनट रेसिपी जो कि सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार होती है। आज हम बनाने जा रहे हैं तुरई। जी तुरई दो तरह की आती है, आज मैं ये वाली तुरइयाँ बनाने जा रही हूँ। इन्हें अच्छी तरह से मैंने, इनका थोड़ा छिलका मोटा होता है, इस तरह से मैंने छिलके को उतार कर और इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। ये तुरई जो बनती है ना, जो दूसरी तुरइयाँ आती है ना चिकनी चिकनी सी, उनसे ये ज़्यादा अच्छी बनती है, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो आज चलिए इसको बना लेते हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन करके एक कढ़ाई रखी है, उसमें 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसे इस तरह से चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसे हमें फ्राई कर लेना है, और इसे हमें गोल्डन फ्राई नहीं करना है। जैसे इस तरह से रेड डॉट्स आ जाएंगे ना, तो हमने जो तरोई ली है उसको भी इसमें हमें डाल देना है। डालने के बाद इसे हमें मिक्स कर देना है, और उसके बाद अब हमने कुछ मसाले डालने हैं। मसाले इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जाता है, बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, बहुत थोड़े से मसाले में लेकिन बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच जितना रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और 1/2 चम्मच ही मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक मिर्च कर सकते हैं। ये मसाले बस इतने ही जाने वाले हैं। अब इनको डालकर मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मैंने तुरई की मसालेदार भी सब्ज़ी बनाई है, जिसकी रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं और इसे मैंने ढक दिया है। ढकने के बाद इसे 5 मिनट पकने देंगे ना, तो तुरई जो है अपना पानी इस तरह से छोड़ देंगी ना। इसे हमें बहुत ज़्यादा धीमी आंच पर पकाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे मीडियम टू हाई में ही पकाना है। जब ये इस तरह से पानी छोड़ देगी ना, तो हमने इसे फिर से ढक देना है और चलाते हुए 1-2 बार इसी तरह से इसे मिक्स करना है, और इसी तरह से हमें इसे पका लेना है। अब जब देखिए इस तरह से हमारी तुरई गलने वाली है, तो अब इसे हमें हाई फ्लेम पर करके इसे हमें पकाना है, जिससे कि ये जो बाकी बची है ये भी अच्छी तरह से गल जाएगी और जो पानी होगा वो भी ड्राई हो जाएगा। और हमें उसे इस तरह से भून लेना है कि ये तेल किनारे हमारा आ जाना चाहिए। अब ये तुरई हमारी बिल्कुल भुनकर रेडी हो चुकी है, और बहुत ही जितनी देखने में टेस्टी लग रही है ना, खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी होती है। जितनी सिंपल उतनी टेस्टी। तो एक बार आप मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलूंगी नई रेसिपी, इजी टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।